नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शेयर चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीईओ की कट ऑफ को लेकर के होगा। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 16 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था और उसके कट ऑफ को लेकर के आज मैं यहाँ पे कुछ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो प्लीज़ जो है आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोग के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जो है इतने पेपर 16 अगस्त को हुआ और जो है कट ऑफ आज जो है लगभग 8 से 10 दिन बाद बताया जा रहा है। तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा जब एग्ज़ाम हो गया होगा 16 अगस्त को तो सेम डे भी जो है कट ऑफ पड़ गई होगी या दूसरे दिन भी कट ऑफ पड़ गई होगी, तीसरे दिन भी कट ऑफ पड़ी होगी। लोग जो है अपने अपने कट ऑफ बता रहे हैं कि मैंने यहाँ सर्वे किया, इतना सर्वे किया, 100 बच्चों से सर्वे करने। अब आप खुद अपना दिमाग का प्रयोग करके खुद सोच सकते हैं कि सर्वे करने में समय लगता है। सर्वे करना इतना आसान नहीं होता है कि जो है वो हलवा कोई बनाने वाला काम तो है नहीं कि किचन में गया हलवा बना दिया हो गया। सर्वे करने में या कोई भी अगर जब आप आंकड़ा इकट्ठा करते हैं तो उसमें समय लगता है। और हमारे चैनल की हमेशा ये विशेषता रही है कि हम लोग जब भी कट ऑफ बनाते हैं तो थोड़ा समय भले लगता है पर जब भी बनाते हैं तो कुछ लगभग नज़दीक हम लोग बनाते हैं, बहुत सोच समझ के चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि हम 100% एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं, हाँ ये रहता कि थोड़ा बहुत, और चैनलों की तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि थोड़ा सा समय बाद हमने इसको बनाया है, क्योंकि सर्वे करने में भी क्या होता है थोड़ा सा समय लगता है, आंकड़े इकट्ठा करने में, एक्सपेक्टेशन करने में, हर एक चीज़ का जो है वो रहता है। अब जैसा कि लोगों के पास लोगों का कमेंट भी आ रहा था क्या कट ऑफ संभावित होनी चाहिए, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ। तो टोटल सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे पेपर कब था। 16 अगस्त को ये पेपर हुआ था और टोटल 300 मार्क्स का था। कितने 100 मार्क्स का था? 300 नंबर का था, यानी 120 क्वेश्चन था इसमें। इस हिसाब से अगर आप 120 में गुणे ढाई कर देंगे तो लगभग 30, यानी एक क्वेश्चन ढाई नंबर का था, ठीक है। जब ये पेपर हुआ तो इसमें 44% बच्चे ही, मतलब 44% बच्चे ही जो है प्रेजेंट रहे और 56% बच्चे जो है एबसेंट हो गए। मेरे हिसाब से टोटल 4.5 से 5 लाख बच्चे थे, उसमें 44% लोगों ने ही पेपर दिया और 56% बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। और उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, बहुत बच्चों की तैयारी नहीं थी। तो बहुत बच्चे कह रहे थे सर तैयारी शुरू में बहुत अच्छी थी बट इधर जो लॉकडाउन लग गया तो पेपर की अनिश्चितता को लेकर उनके मन में कई सारे सवाल उठने लगे, पेपर अब होगा कि नहीं, महामारी चल रही है, क्या है कैसे। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि 20 दिन बाद आपका टेस्ट होगा तो क्या होगा, आपकी एक सर्टेन स्पीड, एक आपका माइंड मेकअप होता है कि आफ्टर 20 डेज मेरा टेस्ट होगा। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि 200 दिन बाद आपका टेस्ट होगा तो उस हिसाब से माइंड भी आपको क्या करेगा, उस हिसाब से डाइवर्ट करता है, क्योंकि माइंड हमेशा स्टेबिलिटी चाहता है। तो उस हिसाब से जो है बच्चों का जैसा कि कथन था उस हिसाब से जो है ये चीज़ें सामने आई हैं। तो 44% बच्चों ने दिया और 56% नहीं दिया, उसके पीछे कई सारे रीज़न है। तो आप देख ही रहे हैं वैश्विक महामारी चल रही है, लोगों के मन में अपने जान माल को लेकर बहुत सारा खतरा है। और अब जैसा कि आपने देखा है आयोग भी जो है, आयोग ने भी अभी समीक्षा अधिकारी 16 और पीसीएस को लेकर अभ्यर्थन वापस करने के संबंध में भी उसने सूचना मांगी थी, जो है बहुत सारा अभ्यर्थन भी वापस हुआ। तो खैर छोड़िए, उन सबको बाद में हमको नहीं जानना है। तो कट ऑफ यहाँ कम अगर है, 120 में 67 क्वेश्चन जा रहा है, उसके पीछे एक तो यही रीज़न हो गया कि 56% बच्चे नहीं दिया, दूसरा यह है कि क्वेश्चन जो थोड़ा सा जिसको लग रहा बहुत हल्का था, थोड़ा सा क्वेश्चन में वजन था, थोड़ा सा मतलब पेपर थोड़ा हाई लेवल था, मतलब हाई लेवल उसको कह सकते हैं, पेपर थोड़ा टफ था। उसके पीछे ये रीज़न है कि UPSC अपने आप में लगातार बदलाव कर रहा है। क्या बदलाव कर रहा है? क्योंकि जो यूपी के अंतर्गत UPSC से जो भी छात्र पेपर दे रहे हैं उनकी आदत है वन लाइनर पढ़ने की, बट इस पेपर में काफ़ी तार्किक प्रश्न देखने को मिले जिससे बच्चे क्या हो गए, थोड़ा सा भयभीत हुए, थोड़ा सा डरे बच्चे, उनका मतलब क्वेश्चन यहाँ गड़बड़ाया। बाकी अटैम्पिंग ज़्यादा है, उन्होंने नहीं करना चाहा, वो सोचे अगर मान लीजिए हमको 85-60 क्वेश्चन आ रहा सही तो हम क्यों आगे 10 क्वेश्चन करके अपने जो भी बचे हुए अंक हैं उनमें हम क्यों अपना जो है घाटा करें। तो ये भी सब कहीं ना कहीं रीज़न था। पेपर का स्टैंडर्ड अब जो है धीरे धीरे रेस करता हुआ UPSC का जा रहा है, ये टोटल जो है कॉपी UPSC की हो रही है। तो तार्किक प्रश्न काफ़ी देखने को मिला। तो आदत है हमको वन लाइनर पढ़ने की और अचानक अगर हमको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होनी ही है, क्योंकि माइंड को आप जैसा तैयार करोगे वैसा ही तो वो कमांड देगा ना।
तो ये सब सारे रीज़न है, तो उनको लेकर के आज ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। प्लीज़ इस पर किसी तरह का कोई भी निगेटिव कमेंट ना करें, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैंने ये नहीं कहा कि आयोग ने मुझे दे दिया है कि आप जो है अपने चैनल पर जारी कीजिए, सीधा ये और स्पष्ट बात मैं बताता हूँ। तो जनरल की जो कट ऑफ रहेगी, क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग इंटू 2.5 करके नंबर आप लोग खुद इतने बुद्धिमान हैं कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो जनरल या ओबीसी लगभग सेम ही रहती है, तो जनरल या ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 67 से 72 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। यानी जिस बच्चे का 67 से 72 के बीच में है वो अपने मेंस की तैयारी में लग सकता है, अच्छे से वो लगे उसका मेंस लगेगा। फीमेल की अगर हम बात करें तो ये लगभग 63 से 65 क्वेश्चंस के बीच में जाने की उम्मीद है, ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इंटू 2.5 इसमें भी आप लोग कर लीजिएगा। EWS की बताएं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बताएं, तो 65 से 68 क्वेश्चन जाने की उम्मीद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा ध्यान से। SC अगर बात करें तो 62 से 65 क्वेश्चन जो है जाने की उम्मीद है 120 में, और अगर ST की बात करें तो 52 से 55 क्वेश्चन जो है 120 में जाने की उम्मीद है। बाकी इंटू 2.5 कर देंगे तो सबका नंबर आपको ऑटोमेटिक 300 में आ जाएगा। और जिसका या जिस बच्चे का इस कट ऑफ के भीतर है, ठीक है, अगर इस कट ऑफ को लाई कर रहा है, तो मेरा उस बच्चे से यही निवेदन है कि बच्चों आप लोग लग जाइए अच्छे से, क्योंकि मौका जो है बार बार नहीं मिलता है। आप लोग मेंस में अच्छे से लग जाइए ताकि आप लोग जो है मेंस में अच्छे से फाइट कर सकें, क्योंकि अगर अभी आप कट ऑफ के ही चक्कर में खेलते रहेंगे तो एक एक समय बड़ा ही कीमती है और धीरे धीरे निकलता जाएगा। मैंने जैसा पहले बताया था कि कोरोना वायरस को अब हमको ले के ही चलना है, उसको ले करके ही अब आयोग और सरकार भी क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, और उसी में ही समझदारी है, वही हमको आपको करना चाहिए। क्योंकि कोई भी महामारी या कोई भी संकट है वो हमारी जो है हमारी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती है। तो ये सब था आज का, तो BEO का ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।